नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट प्रदान किए जाते हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे बीएड कोर्स की, डीएलएड कोर्स की और शिक्षक भर्ती में होने वाले एक बड़े बदलाव की पूरी बात बताऊंगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। जो छात्र नए हों, जिन्होंने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार से ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बीएड और डीएलएड को लेकर के अक्सर बहुत सारा विवाद होता रहता है और बहुत सारे मामले कोर्ट में चल रहे हैं। इसको लेकर के केंद्र सरकार अब इन भर्तियों में एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है। बदलाव ये है कि अब पूरे देश में जो डीएलएड का जो कोर्स है ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। कुछ राज्यों में ये कोर्स बंद भी कर दिया गया, वहाँ पर डीएलएड के एडमिशन नहीं होते हैं, जैसे झारखंड वगैरह। और अब एक नया बीएड कोर्स शुरू होगा या शुरू हो चुका है, धीरे धीरे सभी जगह ये कोर्स शुरू हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि 2030 से अब यही बीएड कोर्स सभी शिक्षक भर्तियों में लागू होगा। बदलाव ये भी किया गया है कि जैसे अभी बीएड करना होता है विद्यार्थियों को या डीएलएड करना होता है तो उसके लिए विद्यार्थियों का स्नातक पास होना जरूरी होता है, उसके बाद में 2 साल का डीएलएड और बीएड कोर्स करना होता है। लेकिन अब विद्यार्थी इंटरमीडिएट के बाद से ही 4 साल का जो बीएड कोर्स है वो करेंगे। इसमें विद्यार्थियों का 1 साल तो बचेगा ही, साथ में आप लोगों को स्नातक की डिग्री भी मिलेगी। ये आज ही का समाचार पत्र है, इसमें आप डेट भी देख सकते हैं 27 मई 2024, और यहाँ पर हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान ही नहीं, लगभग आज के सभी समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है। ऑनलाइन जितने समाचार पत्र हैं और हो सकता है कि कल के समाचार पत्रों के माध्यम से ऑफलाइन भी इसकी जानकारी दी जाए। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है 6 साल बाद 2030 से देश में जो भी शिक्षक भर्तियाँ होंगी तो उसकी न्यूनतम योग्यता बदल जाएगी। 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के आधार पर सभी तरह के शिक्षकों की अब बहाली होगी। और नीचे लिखा कि 6 साल बाद 2030 से शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता बदल दी जाएगी। 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के आधार पर सभी तरह के शिक्षकों की बहाली होगी। इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष 2027 से 28 तक एक एक करके शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के लिए होने वाले डीएलएड कार्यक्रमों को अब समाप्त कर दिया जाएगा। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिलहाल 2024 और 25 सत्र ही शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अंतिम सत्र होगा। दरअसल अब देश भर में शिक्षकों की बहाली के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किया जाना है। वर्तमान में यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। झारखंड समेत कई राज्यों में डीएलएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अब समाप्त कर दिया गया है। जल्द ही बिहार समेत यह अन्य राज्यों में भी लागू हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो बीएड होगा वो क्या प्राइमरी के लिए अलग बीएड होगा, टीजीटी के लिए अलग बीएड होगा या जूनियर के लिए अलग बीएड होगा। ये इसके लिए विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। बीएड कई प्रकार से होगा। जो विद्यार्थी 12वीं के बाद में बीएड करेंगे वो विद्यार्थी 4 साल वाला बीएड करेंगे। जो विद्यार्थी पहले से ही स्नातक हैं उन विद्यार्थियों के लिए 2 साल का बीएड बनाया जा रहा है, और जो विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएट हैं उन विद्यार्थियों के लिए 1 साल का बीएड होगा। अब इस तरीके का बीएड कोर्स चलेगा, इसके बारे में यहाँ पर नीचे जानकारी दी गई है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा शिक्षक अभ्यर्थियों को स्नातक के बाद में 2 वर्ष के विशेष विषय में बीएड की मान्यता भी बहाल रहेगी। वहीं जिनके पास 4 वर्षीय स्नातक की डिग्री होगी या किसी विशेष विषय में एमए किया होगा उनके लिए 1 वर्षीय बीएड पर भी काम चल रहा है। मैं एक बात और बता दूं कि ये जो विद्यार्थी डीएलएड कर रहे हैं या बीटीसी जो विद्यार्थी कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ये विद्यार्थी उन भर्तियों में आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये विद्यार्थी प्राइमरी की जो भर्तियां रहेंगी उसमें आवेदन करेंगे, अथवा करके इस तरीके से इन विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा। तो ये विद्यार्थी हताश और निराश ना हो, जो डीएलएड का कोर्स है वो अगर बंद हो जाएगा तो इन विद्यार्थियों के जो नौकरी के जो रास्ते हैं, शिक्षक बनने के जो रास्ते वो बंद हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये विद्यार्थी प्राइमरी की जो वैकेंसी उसमें आवेदन करते रहेंगे। और हालांकि अब जो है डीएलएड में बताया जा रहा है कि अब नया एडमिशन नहीं होगा, लेकिन 2024-25 डीएलएड प्रशिक्षण का अंतिम सत्र हो सकता है और इसके बाद हो सकता है कि अब डीएलएड ना करवाया जाए। नीचे लिखा कि शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम होगा। ये 4 वर्षीय जो बीएड जो बनाया जा रहा है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। और इसको लेकर के कुछ समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें भी जो बातें मैंने आपको बताई वही बातें इसमें लिखी हुई हैं। डैट भागलपुर की प्राचार्य हैं श्रुति, इनका एक बयान छपा हुआ है जिसे आपको देखना चाहिए। लिखा शिक्षण प्रशिक्षण के लिए डीएलएड समेत अन्य कार्यक्रमों को समाप्त करने की योजना है। 2024-25 डीएलएड प्रशिक्षण का अंतिम सत्र हो सकता है। फिर शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम होगा। देश भर में डायट की संख्या बढ़ाए जाने पर काम चल रहा है और यह 2030 तक हो जाएगा। ये जो डायट है जहां से विद्यार्थी डीएलएड करते हैं यहीं पर वो वाला बीएड चलेगा। और जिस हिसाब से समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है तो ऐसा लगता है कि जल्द ही 1 वर्षीय बीएड का जो कोर्स है वो भी शुरू हो जाएगा। यहां पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि 2 वर्ष के विशेष विषय में बीएड डिग्री की मान्यता भी बहाल रहेगी।
वहीं पर जिनके पास चार वर्षीय स्नातक की डिग्री होगी, चार वर्षीय स्नातक भी होता है ना, स्नातक ऑनर्स दिल्ली वगैरह में, या किसी विशेष विषय में जो विद्यार्थी एमए किए हुए हैं उनके लिए एक वर्षीय बीएड पर भी काम चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको आने वाले एक या दो वर्षों में देखने को मिल सकती हैं। तो इस समय डीएलएड में भी एडमिशन चल रहे हैं, बहुत सारे राज्यों में बीएड में भी चल रहे हैं। तो विद्यार्थी सोच समझ करके एडमिशन लें, सोच समझ करके प्रवेश करें, अन्यथा विद्यार्थी इंतजार भी कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके के अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।